हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज एग्रीकल्चर सेक्टर से एक कंपनी लाया हूँ, परंतु इस कंपनी का जो मेन उद्देश्य है ये एग्रो बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसको बनाती है। ये कंपनी का नाम है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड। ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा चला है, दौड़ा है। और अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो एडिबल ऑयल में आती कैस्टर ऑयल आता है, उसी प्रकार वनस्पति घी, अगर देखा जाए ऑयल और सीड, ये सब बनाने में ये कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, ये कंपनी अभी बहुत छोटी है, कंपनी है माइक्रो कैप कंपनी बोल सकते हो, लगभग 1000 करोड़ के लगभग है। और एक कंपनी ने अभी अच्छा खासा रिटर्न दिए, तो देखते हैं। जैसे अगर रिटर्न की बात करते तो अभी पिछले 5 दिन में 10% के रिटर्न है, 1 महीने में भी 30% के रिटर्न है, 6 महीने में 107%, जो कि बहुत अच्छी बात है। 1 साल में भी देखूंगी तो अच्छा खासा 300% रिटर्न दिया, 3 गुना से ज़्यादा पैसे की। 5 साल में देखूंगी तो लगभग 250 गुना, और मैक्सिमम चार्ट की बात करूँगा 721। ये कंपनी 2014 में बनी थी और ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, और इसका लिस्टिंग 2016 में हुआ था। तब से इसने 700% की रिटर्न दे चुका है। कंपनी तो वैसे अच्छी है, परंतु अगर आप देखोगे ये कंपनी पिछले 2020 2 साल के अंदर 8 रुपये से बढ़ के 90 रुपये हो गए, लगभग 10 गुना आपको अगर किसी ने लिया रहता तो रिटर्न दे दिया रहता। तो दोस्तों, ये चार्ट पे हम वापस आएंगे, टारगेट की बात करेंगे, परंतु इस कंपनी के पैरामीटर थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आपको बताया 1275 करोड़ रुपये की कंपनी है, इसका स्टॉक का भी अपने इंडस्ट्री पी से कम है, और ROC और RO इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, और इसका जो फेस वैल्यू 2 रुपये के बराबर है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, इनका जो अगर रेवेन्यू देखा जाए तो एडिबल ऑयल से 83% आता है, नॉन एडिबल ऑयल से 10% आता है, लगभग ऑयल से ही इनका जो है 94% करीब इनका जो रेवेन्यू आता है। तो बोल सकते हैं इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऑयल है, उसी प्रकार वनस्पति की और ऑयल को छोड़ के 1.8 लगभग 4% के बराबर है। तो ये कंपनी प्रोडक्ट तो अच्छे हैं इनके कंपनी के, परंतु इस कंपनी में एक थोड़ी बात है जो बताता हूँ मैं आपको। पहले इसका हम लोग पीयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं। अगर हम पीयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं, जैसे अडानी विल्मर से कंपेयर करते हैं, तो अडानी विल्मर तो खैर अडानी ग्रुप की कंपनी है, और अगर एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल की बात करें तो वो सबसे बड़ा राजा है इसमें। तो उसके पी की कंपेयर कर रहे हो तो ये पी काफ़ी कम है, और ये बहुत ही बोल सकते हैं एकदम माइक्रो कैप कंपनी, जो कि लगभग 1200 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी का जो पी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है, तो आगे तो काफ़ी बढ़ेंगी, परंतु हमको ये नहीं भूलना चाहिए कंपनी एक एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में काम आती है, एडिबल नॉन एडिबल ऑयल में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है कि अभी जैसे अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, अगर उसमें ज़्यादा तनाव आया तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत धड़ाम नारे नीचे गिरेगा, तो उसके कारण हमको थोड़ा बचा के हमको पैसे इसमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर इस कंपनी की बात करें तो इसका जो इक्विटी डेबिट इक्विटी 0.73, अगर जो कंपनी जिसका पॉइंट इक्विटी टू डेबिट इक्विटी रेशो अगर 1 के करीब रहता है तो उसमें थोड़ा चिंता लायक बात रहती है। हम इसके अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करते, क्वार्टर रिजल्ट तो बढ़ ही रहा है, जो कि अच्छा रिजल्ट है, अच्छा बात है कि पहले 28 करोड़ थी, फिर 40 करोड़ हुआ, अभी 50 करोड़ के लगभग हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका साल दर साल ग्रो कर रहा है अभी, और जब से कोरोना का टाइम है, कोरोना के पहले ही कंपनी बहुत कम थी, परंतु कोरोना के बाद 2020 से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिया है। और इसका अगर हम CAGR की बात करें, क्योंकि ये कंपनी 2016 में लिस्टेड हुई थी, 5 साल ही हुए, कंपनी की 5 साल में 29% रिटर्न है, और 3 साल में तो लगभग अच्छे ही परसेंट रिटर्न है, जो कि 300 लगभग 100% के रिटर्न बता रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी का बैलेंस शीट की बात करते तो देखो, कंपनी बोरोइंग्स जो कंसर्न था मेरा वो ये था कि अगर मैं आपको जैसे बताया जो इसका जो 0.73 है, जो मैं उधारी की बात करता हूँ, तो ये देखिए इसकी जो उधारी है ये कितना है, लगभग बढ़ ही रहा है इसमें, पहले 300 था, अभी फिर कम हुआ 200 के लगभग, फिर 280 हो गया, जो कि अपनी रिजर्व के ऑलमोस्ट सेम है। तो ये दिखाता कि कंपनी तो अच्छी बढ़ रही है, परंतु इसका जो कर्जा है, कंपनी पर कर्जा काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर का जो 16% हिस्सेदारी वो गिरवी रखा हुआ है, तो जिस कंपनी में कर्जा ज़्यादा है तो कंपनी का थोड़ा सा चिंता की बातें रहती। और अगर इसके इन्वेस्टर की बात करते तो कंपनी के जो प्रमोटर 72% होल्डिंग की, और जो पब्लिक उसका 27% की होल्डिंग है, और FIIs का 0.25, सिर्फ बहुत कम 0.25 की होल्डिंग है। तो ये दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इस कंपनी में इन्वेस्ट तो नहीं किए, परंतु पब्लिक और प्रमोटर का हिस्सेदारी, जो कि प्रमोटर का जितने हिस्सेदारी 72 उसमें भी 16% उन्होंने गिरवी रखे। तो हो सकता है कंपनी के फ्यूचर एक्सपांसन की बात करें तो हमने जैसे देखी कि क्वार्टर रिजल्ट तो अच्छा ही है इसका, और CAGR है वो भी अच्छा है, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट और ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है प्रॉफिट वो भी बढ़ रहा है। तो कंपनी तो राइट ट्रैक पे है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, परंतु मैनेजमेंट का जो अभी 16% है वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर।
तो हम अभी चार्ट पे आते हैं फिर से। चार्ट पे अगर देखोगे 2020 से ये कंपनी काफ़ी भागा है, 90 रुपये तक भागा है, 10 गुना से ज़्यादा का परसेंट रिटर्न दे दिया है। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करते हैं तो आप एक अगर फ्लो देखोगे तो पहले देखिए ये बढ़ता है फिर कम होता है, फिर ये 45 रुपये है, फिर 39 रुपये है, फिर ऊपर भागा, फिर ये लगभग 76 रुपये आया, फिर इसने 68 का लो बनाया 7, और फिर अभी 90 रुपये है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हो सकता है आपको 78 रुपये से 85 रुपये के बीच में प्राइस दिखा सकता है। जैसे इसको कम से कम आप 6 से 1 साल के तो डेफिनेटली होल्ड करके ही रखना, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए ऐसी कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न देती है, परंतु आपका लॉन्ग टर्म का नज़र रहेगा तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा। और इसका जो अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये टारगेट आपको 108 रुपये तक कंसिडर करना चाहिए इसमें। तो दोस्तों ये कंपनी में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी उठाए, एक साथ उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अभी ग्लोबल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है वॉर के कारण, तो ऐसे सेक्टर का बताते नहीं आता। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।